नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। जी हां, आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी अंतर कलह से जूझ रही है। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के बीच ही जो अंतर कलह चल रही है, इससे पार्टी धीरे धीरे टूटती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस पार्टी को उन्हीं के नेता हार्दिक पटेल ने एक बड़ा झटका दे दिया और इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों ने पार्टी को झटका देते हुए यशवंत सिन्हा के खिलाफ जमकर क्रॉस वोटिंग की और अब इसके बाद गोवा में लगातार सियासी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फूट दिखाई दे रही है और अब ये अंतर कलह छत्तीसगढ़ तक आ पहुंची है। जी हां, आपको बता दें कि अंतर कलह से जूझ रही कांग्रेस को बीजेपी की सेंधमारी की चिंता अब छत्तीसगढ़ में भी सताने लगी है। दरअसल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ अंधविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस पर 27 जुलाई को चर्चा होनी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी अब राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सियासी घमासान पार्टी की चिंता बढ़ा रहा है। विधायकों की लामबंदी के चलते दोनों नेताओं को एक बार फिर से दिल्ली जाना पड़ा। बताया जा रहा है दोनों नेता आलाकमान के सामने अपनी अपनी बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ से रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने कहा, बीते रविवार को दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात हुई। इसके अलावा वो हिमाचल प्रदेश के नेताओं से भी मिलने जा रहे हैं। दरअसल बघेल को हिमाचल प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाया गया है, वहीं टीएस सिंहदेव भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों का कहना है कि टीएस देव कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की मांग कर सकते हैं। वहीं इसी बीच अब छत्तीसगढ़ में आंतरिक कलह से जूझ रही कांग्रेस को बीजेपी की सेंधमारी की चिंता भी सताने लगी है। दरअसल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही बीजेपी बघेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस बीजेपी ने भेज दिया, जिस पर आने वाली 27 जुलाई को चर्चा होनी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी दोनों नेताओं के बीच झगड़ा सुलझाना चाहती थी। इस्तीफे के बाद यानी कि 16 जुलाई को टीएस देव सिंह ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने अपने अन्य विभागों को बरकरार रखा। सीएम को लिखे 4 पत्रों में त्याग पत्र में टीएस सिंहदेव ने दावा किया कि चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में वो असमर्थ रहे, जिसके चलते हुए वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। जिसके बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यही उठ रहा है कि पहले ही अंतर कलह से जूझ रही कांग्रेस पर अब बीजेपी सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है। क्या 2024 से पहले अपने अस्तित्व को पूरी तरह से खो देगी कांग्रेस? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।